आपका? उषा देवी। आप कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? ग्राम नांदोरा से, किसका चुनाव लड़ रही हैं? ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान का। आप चुनाव जीतती हैं तो आप क्या विकास करेंगी? गांव को शिक्षित करेंगे। ठीक। हाँ माँ साहब, ये बताइए, ये आपकी पत्नी है जी जी, आपका नाम क्या है? आनंद स्वरूप यादव। आनंद स्वरूप यादव। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीत रही है तो आप गांव का किस विकास को ले जाएंगे? आपका ये स्लोगन हम सब मिलकर गांव को बदलें, इस स्लोगन के अनुसार में क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस गांव को हम सर हर प्रकार से बदलना चाहते हैं। वो तब बदल पाएंगे जब हम उसको हर बच्चे को शिक्षित करेंगे। ग्रामीण जनता से क्या है उम्मीद, क्या है आपको? हमारी ग्रामीण जनता से हमें ये उम्मीद है कि उनका जो है सभी सरकार की सभी योजनाओं को हर व्यक्ति को हम शिक्षक के तौर पर लोग। जी बताइए, क्वेश्चन पूछिए। आपको क्वेश्चन, अपनी जनता से क्या उम्मीद है? जनता आपके समर्थन में है या नहीं है? जनता का रुझान है कि गांव का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने, हम उन तक पहुंचे और उनके दुख दर्द को समझें। जो पिछले वर्तमान में जो कमियां हुई हैं उनको उनको दूर किया जाए और दमंग व्यक्ति प्रधान ना बने, क्योंकि जनता वहां जाने से डरती है, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं। इस वजह से हम चुनाव।